दोस्तों, अगर आप 90 के दशक में जन्मे हैं, तो आपको रामायण सीरियल तो याद ही होगा, जिसे देखने के लिए जिस घर में टीवी होता था, उस घर में भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। इस सीरियल को उस समय काफी पसंद किया गया था और इस शो के जरिए सभी कलाकार भी काफी फेमस हुए थे। एक और ऐसा किरदार भी था माता सीता का, जिनके सादगी भरे रूप और अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। लेकिन दोस्तों, रामायण सीरियल में माता सीता का किरदार निभाने वाली ये अभिनेत्री आज कहाँ है, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं? इन सभी बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही इस सुपरहिट सीरियल के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 90 के दशक में रामानंद सागर द्वारा निर्मित रामायण सीरियल में माता सीता का किरदार निभाकर टीवी इंडस्ट्री में एक अलग छाप छोड़ने वाली इस अभिनेत्री का नाम दीपिका चिखलिया है। इनका जन्म 29 अप्रैल 1965 को महाराष्ट्र में हुआ था और यहीं से इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी की। दीपिका ने महज 16 साल की उम्र में माता सीता के किरदार को पर्दे पर इस तरह उभारा कि लोग इन्हें कहीं भी देखते तो खुद ब खुद उनके हाथ श्रद्धा से जुड़ जाते थे। वैसे सीता का किरदार निभाना दीपिका के लिए आसान नहीं था, क्योंकि उस समय टेलीविजन पर दिखाई देने वाली महिलाओं को सही नहीं समझा जाता था। पर इन्होंने इस किरदार को निभा के सबको साबित कर दिया कि वो किसी भी तरीके का किरदार निभा सकती हैं। वैसे तो दीपिका ने अपने करियर की शुरुआत 1983 की फिल्म सुन मेरी लैला के साथ की थी, जिसमें इनके साथ राज किरण ने भी काम किया था, जिसके बाद इन्हें राजेश खन्ना के साथ फिल्मों में काम करने का मौका मिला। लेकिन 1987 तक इन्हें फिल्मों में कोई बड़ा किरदार नहीं मिला, पर सीरियलों ने इन्हें टीवी इंडस्ट्री में पहचान दिलाई। इन्होंने कई सीरियल्स में काम किया, जिनमें दादा दादी की कहानी और उसी दौर का फेमस सीरियल विक्रम बेताल भी शामिल है। इन सीरियलों को रामानंद सागर द्वारा निर्मित किया गया था। दीपिका कई फिल्मों में बतौर सपोर्टिंग रोल करते हुए भी नजर आईं, जिनमें भगवान दादा और काला धन गोरे लोग जैसी फिल्में शामिल हैं। कुछ फिल्मों में ये बतौर लीड एक्ट्रेस भी नजर आईं, जिनमें 1986 की फिल्म घर का चिराग की बात कहना जरूरी है, क्योंकि इस फिल्म को इनके करियर की सबसे ज्यादा सफल फिल्म माना जाता है। इस फिल्म के बाद इन्हें फिल्म रात के अंधेरे में देखा गया। हिंदी फिल्मों में काम करने के साथ साथ इन्होंने मलयालम, तमिल और बांग्ला फिल्मों के सभी जाने माने कलाकारों के साथ काम किया। फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमा चुकी दीपिका ने कई बी ग्रेड की फिल्मों में भी अभिनय किया है, जिनमें इन्होंने बेहद बोल्ड दृश्य भी दिए थे। यहाँ तक कि एक फिल्म में इन्होंने बैकलेस सीन देने से भी संकोच नहीं किया। पर रामायण में सीता का किरदार अदा करने के बाद दीपिका ने अपने अभिनय करियर में ऐसे सीन्स करने से तौबा कर ली। सीता जी का किरदार निभाकर ये एक कमर्शियल एक्ट्रेस बन चुकी थी, पर इन्हें इस सीरियल के बाद कोई खास रोल नहीं मिला जो एक कमर्शियल एक्ट्रेस को मिलता है, जिसके बाद इन्होंने अपना रुख राजनीति की तरफ मोड़ लिया। इन्होंने वडोदरा से चुनाव लड़ा और वहां की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गईं। अगर बात की जाए इनके निजी जीवन की, तो इन्होंने कॉस्मेटिक ब्रांड के फेमस ओनर हेमंत टोपीवाला से शादी की, जिससे इन्हें दो बच्चे हुए, जिनके नाम जूही टोपीवाला और निधि टोपीवाला हैं। और आज दीपिका अपने निजी जीवन में काफी ज्यादा खुश हैं। इन्हें साल 2017 में छोटा छेड़ा जैसे सीरियल में भी अभिनय करते हुए देखा गया, लेकिन जब भी इनका नाम याद किया जाता है तो दर्शकों के सामने इनका माता सीता का किरदार ही सामने आता है, जिसे इनके अलावा कोई और बखूबी से नहीं निभा सकता था। लेकिन आपको बता दें कि अपने दौर में माता सीता का किरदार निभाकर बेहद प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री दीपिका चिखलिया आज पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी हैं। ये अब पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत और हॉट नजर आती हैं, जैसा कि आप इनकी इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको रामायण सीरियल में इनका अभिनय कैसा लगा था, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही बॉलीवुड से जुड़ी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।